أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله جی تمام کے تمام درود پاک الحمدللہ افضل ہیں سب سے افضل درود پاک نماز والا درود پاک آسان بھی ہے ہم مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں بلا نواز سے درود ابراہیمی نماز والا درود پاک پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما شاء الله سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے سنا جائے لکھا جائے دیکھا جائے ہر مسلمان تے ضروری ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحمکم برما ہما یا الہی رحمکن برما ہما عفوکن جملہ گناہ ما ہما یا الہی رحمکن برما ہما عفوکن جملہ گناہ ما ہما چنی پیغمبر و سردار ما ربنا سلم و سلم دائما ہزار بار بشویم دہر بمشکو بلا ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی محمد کی غلامی ہے
मुहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की, मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तारों से ये कह दो कूच करें खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, कौमों के पैगंबर आ ही चुके अब सब के पैगंबर आते हैं। हजरात मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों खवातीनों हजरात, आज की ये महफिल ये मजलिस इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जिक्र खैर सुनने सुनाने के लिए, अल्लाह का कुरान सुनने सुनाने के लिए, सहाबा अहले बैत की अजमत बुलंदी मकाम शान सुनने सुनाने के लिए अल्लाह पाक ने हम सबको जमा फरमाया। भाई मोहम्मद अल्लाह दिता साहब, भाई अमीन साहब ने मेहनत फरमाई, कोशिश फरमाई, जद्दोजहद फरमाई। हमारे दोस्तों में से कारी मोहम्मद खलील रहमान साहब, इनके वो मामू हैं, कारी साहब के फरमान पे थोड़े से वक्त के लिए हाजिर हुआ मेरे जुमे के मुक्तदी भाई मोहम्मद यूसुफ मुगल साहब बुदले के रहने वाले। उन्होंने इसरार फरमाया, आप सब हजरात ने शौक शौक फरमाया, मोहब्बत फरमाई, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत का सबूत दिया, सहाबा अहले बैत की गुलामी का सबूत दिया। इब्तदान दुआ फरमाए, अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खैरात का प्रोग्राम है, अल्लाह के लिए खैरात की गई, अल्लाह पाक इस खैरात को इस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमा का आना, नाथानों का आना, सनाखाने मुस्तफ़ा का आना, सहाबा अहले बैत की शान बयान करने वालों का आना, कुरान सुनने सुनाने वालों का आना, अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कमा हक़ूहू बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए, जो सही हो उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाल्लाह तुहाडा बयान सुनने का इरादा है, सब एक दो बंदे आ गए, बाकी आ गए कोई नहीं भाई, माशाल्लाह जी, मैं के बोलदे नहीं। ए सुभान अल्लाह, उन्हां बंदियां नूं छूटे जिहड़ा बंदा गूंगा होवे बहरा होवे, बाकी बोलण वाले जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने मुफ्त सुभान अदा कीती है उह नाल नाल आखो सुभान अल्लाह। मुसलमानों नेक महफिल नेक मजलिस दीनी इस्लाही प्रोग्राम होर कोई मकसद नहीं, अल्लाह की रजा वास्ते हाजिर होए हो। मुसलमानों नेक महफिले चाहे हो, अपनी झोलियों खाली ना लेके जाओ। सुभान अल्लाह कोई छोटी शय नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आखना कोई छोटी चीज नहीं, अल्लाहु अकबर आखना छोटी शय नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखना छोटी शय नहीं। साड़ी ते तक नहीं पैंदी, निगाह नहीं पैंदी है, अखे कलमा छोटा है, सुभान अल्लाह कलमा छोटा है, साड़ी ते तक नहीं पैंदी, सोने ते तक पैंदी है, चांदी हीरे जवाहरात जमीन जायदाद कोठी बंगला माल मंडी ते तक पैंदी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपन कदर कोई नहीं, सुभान अल्लाह दी कदर कोई नहीं। मिश्कात शरीफ दी हदीस मुबारका है, हदीस मुबारका इब्तदान सुना देवा, अर्ज कर देवा, जदों मुसलमान हुजूर दा गुलाम अल्लाह दी रजा वास्ते आखदा ना सुभान अल्लाह, हुण ते सारे आखदे हो सुभान अल्लाह, ते अल्लाह दी रहमतां बरसना शुरू हो जांदियां, अल्लाह दी रहमतां बरकतां बरसना शुरू हो जांदियां, मींह वसना शुरू हो जांदा है, ते फिर बंदा आखदा है अल्हम्दुलिल्लाह। ते अल्लाह पाक ए जमीन आसमान वाली जड़ी जगह है ना खला, अल्लाह पाक इन सारिया नु बरकतां रहमतां नाल पुर फरमा देते हैं। ते आपां 100 मरतबा भी सुभान अल्लाह आख्या है जी, 200 मरतबा आख्या, 300 मरतबा आख्या, बार बार
कुरान अच्छा लग गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान अच्छा लग गया, सहाबा अहले बैत दा नाम अच्छा लग गया, जिक्र खैर उन्हां दे वाकयात चंगे लगे, ते बंदा बार बार आके मुसलमान हुजूर दा गुलाम, सहाबा अहले बैत दा गुलाम, बार बार अल्लाह दी बारगाह में सदा बुलंद करे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक दी रहमतां बरकतां सानू ढांप लेंदियां, मी वसना शुरू हो जांदा है, ते फिर मुसलमान इस नेक महफिल तो मजलिस तो अल्लाह दी रहमतां बरकतां दी गंढ भर भर के अपने घर जाता है। मुसलमानों पैसा कीमती कोई नहीं, सोना भी कीमती कोई नहीं, चांदी भी कीमती कोई नहीं, ये साडे कपड़े भी कीमती कोई नहीं, क्यों? इधर मौत आंदी है घर वाले कपड़े भी उतार लेते हैं, आवाज आंदी है अब्बा जी दे कपड़े उतारो, मुरब्बिया दा मालिक, अफसर, सदर, वजीर, अमीर, कबीर है जी, मलका, शहजादी, घर दी माई, बड़ा जेवर पाण आली, बड़े आला किस्म दे कीमती लिबास पाण आली, मौत आंदी है हर घर दे विचों आवाज आंदी है, इनू घर दे विच ही कड्डो, कोठी बड़ी सोहनी बनाई है, रात रहण दी इजाजत कोई नहीं, कपड़े बड़े सोहने बनाए, बड़ी मेहनत करके कपड़े लिबास बनाए, लेकिन इनू हुण पाण दी इजाजत कोई नहीं, जेवर पाण दी इजाजत कोई नहीं, साडे कपड़े भी बेवफा, जमीन बेवफा, जायदाद बेवफा, मुसलमानों कबर में सुभान अल्लाह काम आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह काम आएगा, अल्लाहु अकबर काम आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कबर में काम आएगा, कोठी काम नहीं आएगी, बंगला काम नहीं आएगा, जमीन जायदाद काम नहीं आएगी, अल्लाह का कुरान काम आएगा, नबी अली सलातो सलाम का फरमान काम आएगा। ते अल्लाह ने आपा सारिआं नूं सोहणे नबी दा सोहणा उम्मती बनाया, साडा नबी आला, साडा नबी आला, हुण तुसीं सरायकी मेरे ख्याल नहीं समझदे, साडा नबी आला, साडे नबी दी जमात आला, हजूर ने फरमाया सिद्दीक अकबर फिल जन्ना, उमर फारूक फिल जन्ना, उस्मान गनी फिल जन्ना, अली मुर्तजा फिल जन्ना, ते बारी आई बनाते रसूल दी, हुजूर ने फरमाया बनाते रसूल फिल जन्ना, बारी आई खातून जन्नत सय्यदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी, मेरे आका ने फरमाया व सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, लोगो कल कयामत का दिन होगा, मेरी शहजादी फातिमा जन्नत में तमाम की तमाम खवातीन की माइयों बीबियों की अल्लाह पाक सरदारी अता फरमाएगा। दीवारी आई मेरे आका दे नवासियां दी, सोहने नवासियां दी हसनैन करी वैन दी, मेरे आका ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ने मेरे शहजादों को हसनैन करीमैन को इतना बुलंद मकाम अता फरमाया, खातून जन्नत के लखते जिगरों को इतना बुलंद मकाम अता फरमाया, ये जन्नत के फूल हैं, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह पाक हसनैन करीमैन को तमाम के तमाम जवानों की जन्नत में सरदारी अता फरमाया। मैं गल अर्ज की साडा नबी आला, अजे जमीन कोई नहीं बनी, आसमान कोई नहीं सी बना, चंद्र कोई नहीं, सितारे कोई नहीं, कोई शायद वजूद आई कोई नहीं, परवरदिगार आलम ने आलम अरवा में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को, शान को, बुलंदियों को आलम अरवा में बयान फरमा दिया। फरमाया के महबूब अलैहि सलातु वसलाम, अभी जमीन बनी कोई नहीं, आसमान नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं, अभी कायनात बनी कोई नहीं, अभी कोई शय वजूद में नहीं आई, अभी 18,000 मखलूकात बनी कोई नहीं, अल्लाह पाक ने फरमा दिया वरफाना लक ज़िक्रकुम, ओ काली कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रब्बुल आलमीन ने कायनात बनने से पहले आपके जिक्र खैर को बुलंद फरमा दिया। فرمایا کہ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, अभी जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं सजा, सितारे नहीं बने, अभी चांद नहीं, पहाड़ नहीं, नदी नाले नहीं, समंदर नहीं, अभी इंसान नहीं बने, कोई शय वजूद में नहीं आई, रब्बुल आलमीन ने आलम अरवा में ऐलान फरमा दिया वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
इमाम अंबिया आलम अरवा के भी सरदार है, आलम दुनिया के भी सरदार है, आलम बरज़ख के भी सरदार है, आलम आखरत के भी सरदार है। अभी दुनिया बनी कोई नहीं है, कायनात वजूद में नहीं आए, अभी इंसान भी नहीं बने, अल्लाह पाक ने इमाम अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सरदारी का ऐलान फरमा दिया। शान वाले नबी को, अजमतों वाले नबी को, मकाम वाले नबी को, बुलंदो बाला नबी को रब्बुल आलमीन ने शान के साथ दुनिया में मबऊस फरमाया, यानी आमद रसूल हो रही है। इमामुल अंबिया की तशरीफ आवरी का वक्त है। उलमा ने लिखा है दिन भी रात भी दोनों अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। दिन ने अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह मेरी निस्बत इमामुल अंबिया से हो जाए, रात ने अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह मेरी निस्बत इमामुल अंबिया से हो जाए। दिन ने अल्लाह से मांगा, रात ने अल्लाह से मांगा, इमामुल अंबिया की निस्बत मांगी, कुरब मांगा, नजदीकी मांगी, दिन ने अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह इमामुल अंबिया दिन की रोशनी में दुनिया में जलवागर हो जाए, ताकि मैं शान वाला बन जाऊं, मैं आजमतों वाला बन जाऊं, मैं मुखदरों वाला बन जाऊं। रात में अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह अंधेरे में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, वजअल लैल लिबासा, मेरे अल्लाह मैं रात को अंधेरा छा जाता है, लोग आराम किया करते हैं, रात ने सबसे बड़ी निस्बत पेश कर दी। और परवरदिगार आलम आबिद लोग, नमाजी लोग, सजदा करने वाले लोग सर सजदे में रख के सुभान रब्बिल आला कहते हुए अल्लाह तेरी बारगाह में सारी की सारी रात गुजार देते हैं। खुद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक्दस है। और इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने वालों, गुलामी का ऐलान करने वालों, नबियों के सरदार हैं सुल्तानुल अंबिया हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला ना फरमाती है, आका मदनी मदीने वाली सरकार अल्लाह की बारगाह में सारी की सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके कुरान की तिलावत में गुजार दिया करते थे। मेरे आका सारी की सारी रात मुसल्ले पे तशरीफ फरमा है, अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत हो रही है। किसी को कमतर मरूम कहता है कि कटन रात मुसल्ले ते, कटन रात मुसल्ले ते खलोतिया पीर सुजवेंदे, न इतना जाग रब आखे इबादत ए जई होवे, पैगंबर मुक्तदी होवे इमामत ए जई होवे, करन दुश्मन भी तारीफा लियाकत ए जई होवे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में कुरान पढ़ दिया कुरान की तिलावत करें दिया सारी दी सारी रात अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले से ही गुजार देंदे ने। दिन ने अल्लाह को मंगिया, रात ने अल्लाह को मंगिया, हुजूर दी मोहब्बत मंगी, गुलामी मंगी, ताबेदारी मंगी, आपां नूं ते मुफ्त च नसीब हो गई, आपां हुजूर दे गुलाम बन गए, हुजूर दी उम्मत च अल्लाह ने पैदा फरमाया, ते आपां ने कदर कोई नहीं कीती, मुहब्बत कोई नहीं कीती, गुलामी वास्ते टाइम नहीं लभ्या, है जी, नमाज दा पता नहीं, कुरान दा पता नहीं, सुन्नत रसूल दा पता नहीं, साडे चेहरे सुन्नत रसूल तो खाली, आपां नूं पता ही कोई नहीं, निस्बत मुफ्त जो नसीब हो गई। अल्लाह ने दिन की भी दुआ कबूल फरमाई, रात की भी दुआ कबूल फरमाई, अल्लाह को मंगिया जो है, अल्लाह ने फरमाया जा दिन तेरी दुआ भी कबूल हो गई और रात तेरी दुआ भी कबूल हो गई, आमद रसूल हो रही है, इमामुल अंबिया दुनिया जलवागर हो रहे ने, आका मदनी मदीने वाली सरकार दी आमद रसूल हो रही है। अल्लाह ने फरमाया रात तेरा आखिरी हिस्सा होएगा, दिन की इब्तदा होएगी, मदीने वाली सरकार दुनिया ते जलवागर हो जाएंगे, मेरे महबूब दुनिया ते तशरीफ ले आएंगे। पूरी
कायनात ने माइया बीबियां ते काफी सारिया, लेकिन अल्लाह पाक नो इमाम अंबिया दी वालदा माजदा बनान वास्ते सैयदा आमना सल्लमहा अलैहा पसंद आ गई। साडे नबी दी अम्मा पसंद आ गई। माइया ते बड़िया सन, माइया ते शहजादियां भी सन, मलका भी सन, हसीन भी सन, लेकिन अल्लाह पाक नो सैयदा आमना सल्लमहा अलैहा आकाए मदनी मदीने वाली सरकार दी अम्मा बनने दे ए काबिल है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया आमना दा माना अमन वाली बीबी, मेरे महबूब दी अम्मा अमन वाली जो है। ते हुजूर नो दुध पिलाण वास्ते मेरे अल्लाह नो सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पसंद आ गई। हलीमा दमाना सबर वाली बीबी। फरमाया कायनात दाइयां ते बढ़िया, लेडी डॉक्टर भी बढ़िया, नर्सा भी बढ़िया, एलएचबी भी बढ़िया, लेकिन आ मेरे महबूब को जो दूध पिलाण दे काबिल है ओ मादा ओ कुव्वत ओ ताकत अल्लाह ने सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अता फरमाया। सैयद आमना फरमाती है इमाम अंबिया का नूर नबूवत मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, अल्लाह ने मुंतकिल फरमाया। आकाए मदनी अम्मा दे पेट ते तशरीफ ले आए, नूर नबूवत मुंतकिल होया। सैयदा फरमांदी बरकतों दा नुज़ूल हो गया, रहमतों दा नुज़ूल हो गया, मेरे बदन तो यहां तक के मेरे पसीने तो भी बेहतरीन खुशबू आवन लगिया। पूरे मक्का मुकरमा नु अल्लाह पाक ने मुहत्तर फरमा दिता। जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार हैं, मक्का के लोग सवाल करते हैं अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर से निराली खुशबू कहां से आती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान है, एक दिन घर तशरीफ लाए, सैयदा आमना इमामुल अंबिया की अम्मा मोहतरमा को आवाज लगा दी, बेटी आमना मेरे सामने तशरीफ ले आओ, मुसलमानों क्या हालात होंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई, सैयदा आमना शहंशाह कायनात मस्खरे मौजूदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दाते अक्दस को अपने शिकम में पेट में लिए हुए तशरीफ ला रही है। आते ही सवाल कर दिया, बेटी आमना नाराज ना होना, मक्का के लोग सवाल करते हैं, परेशान करते हैं, बार बार पूछते हैं, ओ बेवा बहू ओ बेवानो तुझे जरूरत क्या है, बेवगी के आलम में इतनी आला किस्म की खुशबू क्यों इस्तेमाल करती है। गलियों से खुशबू आती है, मोहल्ले से खुशबू आती है, इलाके से खुशबू आती है, पूरा मक्का मुकरमा में का हुआ है। इमामुल अंबिया की दादी मोहतरमा को, दादी अम्मा को अल्लाह ने भेज दिया, जा मेरे महबूब की शान बयान हो रही है, जाके तू भी शान बयान कर। अर्ज करने लगी अब्दुल मुत्तलिब क्या पूछ रहे हो, पहले सैयदा आमना सिर्फ खुशबू इस्तेमाल करती थी लगाती थी, इसके सेन से खुशबू आती थी, बेड़े से खुशबू आती थी, कमरे से खुशबू आती थी, आप सैयदा आमना से ये भी तो पूछो, सवाल करो इसने आतर पिया कहां से है। रब्बे कायनात की कसम है जहां सैयदा आमना थूकती है लुआब डाल वहां से भी खुशबू आया करती है। शर्मो हया का जमाना, इमाम अंबिया की वालदा माजदा सैयदा आमना सल्लमहा अलैहा एक गुफ्तगू सुन के अखा तो आंसू जारी हो गए। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब ओ सरदारे मक्का, ओ मक्का मुकरमा दे बैतुल्लाह दे मुतवल्ली केड़ी गल करन लगे हो, ते गल खुल गई है ते फिर हुन खुल के गल सुनो। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब दी अम्मा सैयदा आमना सल्लमहा अलैहा अजे मेरा महबूब दुनिया ते तशरीफ नहीं ले आए, तुहाडे शिकमे तशरीफ फरमाने, तुसी अपने लाल दी शान बयान करो। सैयदा आमना सल्लमहा अलैहा ने अर्ज कर दिया अब्दुल मुत्तलिब आप तो सिर्फ खुशबू के बारे में जानते हो, अतर के बारे में सवाल कर रहे हो, आसमान मुझे सलाम करता है,
चांद मुझे सलामी पेश करता है, सितारे सलाम करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ मुझे सलाम करते हैं, दरो दीवार मुझे सलाम करते हैं, दरख्त झुक के मुझे सलामी पेश किया करते हैं, बादल मुझ पे साया किया करता है। वो अब्दुल मुत्तलिब अगर मैं कुएं के करीब जाऊं पानी भरने के लिए, माइयां बीबियां कुएं के करीब खड़ी होके मेरा इंतजार करती हैं, कौन डोल से पानी खींचे, अभी से ये दाम ना आएगी, अभी वो अपने कदम कुएं के मंडेर पे रखेंगे, कुएं में उबाल आ जाएगा, कुएं में उभार आ जाएगा। वो अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही मैं कुएं के मंडेर पे कदम रखती हूँ, कुएं का पानी खुद ब खुद उबल के मेरे कदमों को चूम लेता है। अर्ज कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब कौन सी खुशबू की बात करते हो? ये दुनिया की खुशबू नहीं, ये यमन की खुशबू नहीं, मिस्र की नहीं, काहिरा की नहीं, फलस्तीन की नहीं, अरबिस्तान की नहीं, मक्का मुकरमा की नहीं, मदीना मुनव्वरा की नहीं। शिकम पे हाथ रख के अर्ज कर दिया, ऐसा मालूम होता है इस आने वाले मेहमान की बरकत है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अक्दस पे अल्लाह ने तशरीफ आवरी पे बरकतों रहमतों का खुशबू का नुज़ूल फरमा दिया। मुसलमानों, वो खुशबू खत्म नहीं हुई है। आज नमाजियों की घरों से जन्नत की खुशबू आ रही है, कुरान वालों की घरों से जन्नत की खुशबू आ रही है, गल खत्म नहीं हुई। अज वेखो उलमा तुलबा हुजूर दी सच्ची गुलामी करने वाले जितने मुसलमान दुनिया तो रुखसत होते पैन, जाओ वेखो उन्हां दी कब्र तो जन्नत दी खुशबू आती पई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी कब्र तो जन्नत दी खुशबू आई। कुतुब आलम मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अब्बा जी खारी निफसा मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दे पीर मुर्शद भी हैं, उस्ताद भी हैं, जाओ लाहौर चले जाओ, हजरत दी कब्र तो आज भी जन्नत दी खुशबू आती पई। सैयदा आमना सल्लमा अलैहा फरमांदिया ने कि आकाए मदनी मदीने वाली सरकार मेरी गोद तशरीफ ले आए, मैं अपने लाल वल मुतवज्जे, मेरा लाल अपने रब वल मुतवज्जे। सैयदा फरमांदिया मैं अपने लाल नू वेख्या, मैं हैरान रह गई, मगसूल गुसल किते हुए तशरीफ ले आए। हदीस मुबारक के अल्फाज, मगसूल अल्लाह ने अपने महबूब नू गुसल फरमा के भेजा है, मकहूल माजा गल बसर दी आँखा में सुरमा भी लग्या होया है, मखतून खतरा मुबारक भी कीती हुई है। सारी कायनात दे बच्चे नंगे पैदा होंदे, लेकिन आकाए मदनी मदीने वाली सरकार दी शान देखो, अजमत देखो, बुलंदी मकाम देखो। फरमाया मेरा महबूब नूरी पर्दे पा के दुनिया ते तशरीफ ले आए, मेरा महबूब शर्मो हयादा पैकर है, कोई मेरे महबूब दी पर्दे दी जगह नू ना वेखे, मेरा महबूब मखतून है, मगसूल है, मकहूल है। सैयदा फरमाने मैं अपने लाल वल मुतवज्जे, मेरा लाल अपने रब वल मुतवज्जे। दुनिया ते तशरीफ ले आंदे ही मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्दस ने अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाया है, ते साडी तो उम्र लंघ जांदी, आपां नमाज नहीं पढ़दे। वैसे आखदे गुलामी रसूल ते जान भी कुर्बान है, ओ तेरी जान नू करना की है तू नमाज नहीं पढ़ता? कोई करना है भला बंदा ऐलान जो करे, गुलामी है रसूल ते आखे जान भी कुर्बान है, गुलाम है, गुलाम है हुजूर के गुलाम है, ते जेड़ा बंदा नमाज ना पढ़े गुलाम हो सकता है? भला समझो गल, जड़ा नमाज ना पढ़े उदा ते इस्लाम च कोई हिस्सा नहीं, तुसी ते गुलामी दी गल करदे हो। आपां नूं ते रकातां दा ही पता कोई नहीं, कोई बंदिया नूं रकातां दा पता नहीं होंदा। वो जनरल ज्यादा दौर थी ना, उन्हें बड़ा जोर लाया नमाज पढ़ो, जो दफ्तर च लोग नमाज पढ़ते सी, वकील भी नमाज पढ़ते सी, माशाल्लाह सरकारी मुलाजिम भी नमाज पढ़ते सी। एक जज साहब से उन्होंने आख्या चलो मैं भी नमाज पढ़ा, उन्हें आख्या नहीं पढ़नी नहीं पढ़ानी, वो बेचारा इमाम बन के खलो गया। ठीक, तो जज साहब ने बेचारे ने जोर दी नमाज पढ़ाई, थोड़े पास जोर दिया कितनी रकात होंगे माशाल्लाह? पता कोई नहीं, चार होंगे फर्ज, चार रकात होंगे ना माशाल्लाह। पढ़िया करो भाई नमाज, मैं लगता मैं इतने कि मौलवी लग जावा तू नमाज के तरीके सिखाव हजरत। तो उन्हें बेचारे ने दो रकात पढ़ाइया, उन्हें दो रकात पढ़ा के ना सलाम फेर देता है,
लोग आखन लगे हजरत जोर दियां दो नहीं होंदियां चार होंदियां। आखे मैं जुमा पढ़दा जुमे दी तरह दो ही पढ़ांदा। उन्हें बेचारे नूं पता ही कोई नहीं। माशाल्लाह जी हजरत तशरीफ ले आए जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी बस मैं अपनी गल खत्म कर लगा जी माशाल्लाह। इसलिए मुसलमानों जिम्मेदारी से कहता हूँ इमाम अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दात अक्दस ने कभी भी किसी हाल में भी नमाजों को कजा नहीं फरमाया। सहाबा की जमात ने कभी भी नमाजों को कजा नहीं फरमाया। तबा तबीईन ने बुजुर्गान ने दीन ने पीरों ने वलियों ने अल्लाह वालों ने कभी भी किसी हाल में भी नमाजों को कजा नहीं फरमाया। और जिम्मेदारी से कहता हूँ पीरा ने पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी नमाजों को कजा नहीं फरमाया। हजरत ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी नमाजों को कजा नहीं फरमाया। हजरत फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी नमाजों को कजा नहीं फरमाया। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी नमाजों को कजा नहीं फरमाया। हजरत फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पीरों मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पीरों के सरदार ने वलियों के सरदार ने सैयदुल औलिया ने कभी भी किसी हाल में भी नमाजों को कजा नहीं फरमाया। नवासाए रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला नो मैदाने करबला है शुहदाए करबला मौजूद है। जमाल अकबर शहीद हो गया मासूम अली असगर शहीद हो गया कासिम इब्न यासर शहीद हो गया अबू बकर बिन अली शहीद हो गया हजरत बाकर शहीद हो गए हजरत अब्बास शहीद हो गए। नमाज का वक़्त है हुसैन नमाजी हजरत हसन नमाजी अम्मा खातून जन्नत नमाजी सहाबा नमाजी सहाबियात नमाजी अजवाज मुतहरात नमाजी बनाते रसूल नमाजी हुसैन मैदाने करबला में करबला की जमीन पे बैठ के अल्लाह की बारगाह में तयम्मुम फरमा रहे हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रब्बुल आलमीन की बारगाह में मैदाने करबला में अल्लाह से क्या मांग रहे हैं। परवरदिगारे आलम बच्चों की कुर्बानी कबूल फरमा परवरदिगारे आलम बच्चों की कुर्बानी कबूल फरमा। और मेरे अल्लाह मुझे भी शहादत की जरूरत है शहादत घोड़े पे चढ़ के नहीं चाहिए तीर अंदाजी करते हुए नहीं तलवारें चलाते हुए नहीं। और मेरे अल्लाह हुसैन को शहादत से भी प्यार है हुसैन को नमाज से भी प्यार है। सर सजदे में हो जुबान पे सुभान रब्बिल आला हो कयामत तो कायम हो जाए हुसैन का सर सजदे में मौजूद रहे। इसी को कहते हैं कि उठा न सर सजदे से उठा न सर सजदे से कुछ ऐसी महवियत हुई तारी शहीद नास को नींद आ गई आगोश खंजर में कयामत तो कायम हो जाएगी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर सजदे में मौजूद रहेगा। मुसलमानों हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलादुन नबी मिलाद का मकसद ये है विलादत बा सआदत। मेरे आका ने हमें नमाज दी हुजूर ने हमें नमाज दी और जिम्मेदारी से कहता हूँ आका मदनी मदीने वाली सरकार ने सहाबा ने कभी भी नमाज को कजा नहीं किया कभी भी नमाज को कजा नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद हम समझ नहीं सके कि आमद रसूल का मकसद क्या है बेअसदे नबूवत क्या है। जमाने जाहिलियत में लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। हजरत दया कल्बी रजी अल्लाह तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी बड़े सोहने सहाबी एक दफा मेरे आका ने फरमाया दया कल्बी कोई वाकया बयान कर आज मदीने वाली सरकार का बड़ा रोन नु दिल करता है अखा में चो आंसू आ जाना। आखन लगा मेरे आका मैं अपनी बेटी नु अपने हत्था नाल जिंदा दरगोर किया। हुजूर ने फरमाया किस तरीके नाल जिंदा दरगोर किया
आखन लगे मैं सफर से चला गया, अपनी बीवी नू आ गया कि अगर बेटा होवे तो परवरिश करनी है, बेटी होवे तो उन्हें जिंदा दरगोर कर देना है। मैं 5 साल बाद वापस आया, मैं दरवाजा खटखटाया तो मेरी बेटी ने खोलिया। मैं पूछा ये कौन है, उन्हें आख्या तेरी बेटी है। आखन लगा है तो बड़ी सोहनी, बोलती हुई बड़ी सोहनी लगती है, हैं जी अखा बड़ी सोहनिया, नरमो नाजुक, बड़ी खूबसूरत बच्ची है, लेकिन मेरी बेटी है, इस वास्ते मैं इन्हू जिंदा दरगोर जरूर करना है। आखन लगा मेरे आका मेरे अंदर इतना कुफर है, इतनी मेरे अंदर कुफर मौजूद, मेरा सख्त दिल मौजूद कि मैं अपने जमाने दे विच अगर कोई बाप अपनी बच्ची नू जिंदा दरगोर नहीं कर सकता तो मैनू आके आखदा सी, मैं उन्हू जिंदा दरगोर करके आखदा सा, करके आंदा सा, मैं एडा जालिम सा, लेकिन मैनू तरस ना आया। मैं अपनी बीवी नू आख्या कि अगर मैं खाना नहीं खावांगा जब तलक मैं अपनी बेटी नू अपने हत्था नाल जिंदा दरगोर ना करूं। आखण दा मकसद ये कि आज मुसलमान औरतां ते अम्मा ते हुजूर ने फरमाया जिस घर विच बेटी कोई नहीं वो घर अल्लाह दी रहमत तो खाली है, वो घर घर कोई नहीं, ये मेरे आका दा एहसान है। हुजूर अली सलातो सलाम दी तशरीफ आवरी तो पता चलिया कि जिस घर में धी कोई नहीं बेटी कोई नहीं, हुजूर ने फरमाया अम्मा के कदमों में जन्नत है, हैं जी बहन भी रहमत है, बेटी भी रहमत है, फूफी भी रहमत है, खाला भी रहमत है, अल्लाह ने बड़ी रहमत बरकत अता फरमाइया। मैंने थोड़े वक्त में थोड़ी बात अर्ज कर दी, जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।